गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी रीड द टॉपिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। रूल फर्स्ट है इन दिस टेंस हैज बीन प्लस वर्ब द थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन है अपने पास ही सी इट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अपने पास ही हो, सी हो और इट हो, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट राम हो, तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड Have been इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी यू दे और आई के साथ have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होगा। आर द अदर सब्जेक्ट और अन्य जो सब्जेक्ट है उनके साथ भी क्या होगा, have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होगा। यूजुअली टाइम दिस इज एडेड आफ्टर फोर सिंस इन दी सेंटेंसेस, और इन सेंटेंस के अंदर आपको एड मिलेगा, यानी कि साथ में क्या मिलेगा, फोर और सिंस और टाइम को आपको साथ में मिलेगा। यूज ऑफ सिंस और फोर, दिस टेंस सिंस इज यूज फोर to express a point of time, यानी कि निश्चित समय के लिए हम यूज करेंगे since का, and for to express a period of time, यानी कि समय की अवधि के लिए किसका यूज करेंगे, for का। As example है, सबसे पहले हम देखेंगे since का यूज किन किन के साथ होता है। since का यूज होता है 3 o'clock, यानी कि घड़ी के समय के साथ, सिंस मंडे यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम के साथ, सिंस टेन जून, यानी कि इस प्रकार से अगर दैट आई भी है सेंटेंस में तो उससे पहले इसका यूज होगा, दिन व तारीख से पहले किसका यूज होगा, सिंस का। इसके बाद में है महीने का नाम, सिंस जून, सिंस जून, सन जो है सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, और सिंस नून। ये क्या है, सिंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के साथ किसका यूज होता है, सिंस का। तो ये क्या है, निश्चित समय है 3 o'clock, 3 बजे, यानी कि घड़ी का समय, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस संडे, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले किसका यूज होगा, सिंस का। सिंस 10 जून, यानी कि दिन हो सकती है, तारीख हो सकती है, उससे पहले भी किसका यूज होता है, सिंस का। सिंस जून महीनों के नाम से पहले, सिंस 2020, यानी कि सन, यानी कि 2020 है, 2019 है, इनसे पहले किसका यूज होता है, सिंस का। सिंस मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, ये सब क्या है, यानी कि
पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय से पहले किसका यूज होता है, सिंस का। अब देखिए फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी कि फोर का यूज कहाँ कहाँ होगा, फोर थ्री आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि से पहले किसका यूज होता है, फोर का होता है। तो ये क्या हो गया, फोर थ्री आवर्स यानी कि तीन घंटे से, फोर टू वीक्स दो सप्ताह से, फोर सेवन मंथ, फोर सेवन मंथ्स। तो इसमें क्या हो गया, फोर सेवन यानी कि सात महीने से, दो सप्ताह से, तीन घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम हो गया यानी कि समय की अवधि दी हो उससे पहले किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। इसके बाद में अपन देखेंगे इसका पैटर्न यानी कि वाक्य रचना। पैटर्न यानी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी वाक्य रचना किस प्रकार से होगी। सबसे पहले इसमें यूज होगा सब्जेक्ट का, उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एम डी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा फॉर और सिंस, और उसके बाद में टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम, ये हो गई इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वाक्य रचना यानी कि पैटर्न। एज एग्जांपल होगा इसका, एग्जांपल देखते हैं इसका, आई हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। अब देखिए आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन, क्या आती है हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी, उसके बाद में फोर और सिंस का प्रयोग, फोर का यूज हो गया, टू आवर्स यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये फोर टू आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है इसमें। देखिए ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है, ये अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन डी, और उसके बाद में क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि है ये, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस का जो टेंस है उसमें अगर समय की अवधि दिया हुआ है तो आएगा फोर, अगर उसमें निश्चित समय दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम तो उसके से पहले किसका यूज होगा, सिंस का। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा हैज बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी वर्ब और आईएनजी हो गया वर्किंग। अब देखिए आगे लिखा हुआ है सिंस यानी कि से, थ्री ओ'क्लॉक यानी कि इसमें क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि तीन घंटे से, कितने घंटे से, तीन घंटे से, ही हैज बीन वर्किंग
सिंस 3 o'clock वह 3 घंटे से कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस होगा उसमें फोर और सिंस का प्रयोग होगा, उसमें से का प्रयोग होता है, यानी 3 घंटे से, 2 घंटे से। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें दे यू वी आई, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आपके पास दे है, यू है, वी है, आई है, तो उसके बाद में जो सहायक क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हैव बीन। क्या आएगी? हैव बीन, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, इधर वाले क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन से सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है। दे यू वी और आई ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है हैव बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और इस प्ले के साथ अपने को क्या ऐड करना है? आई एन जोड़ करना है, प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। क्या हो गया? सिंस नून, यानी कि मैं बोल सकते हो या फिर वे बोल सकते हो, इनमें से एक सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उससे पहले हैव बीन साइक्लिया आती है, तो साइक्लिया के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका अर्थ जब बनाएंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस नून, यानी कि वह दोपहर से, यानी कि इसमें क्या हो गया? दोपहर से, पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए इसमें किसका यूज हो गया? सिंस नून का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और उसके साथ है आईएनजी, रीडिंग दिस नोवल सिंस मॉर्निंग। यानी कि आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यह उपन्यास पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवल सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि मैं सुबह से दिस नोवल यह उपन्यास रीडिंग पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें योर ब्रदर। अब देखिए योर ब्रदर हो गया, ठीक है, यानी कि तुम्हारा भाई, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, उसके बाद में हियर फॉर 2 hours, तुम्हारा भाई 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है या फिर इंतजार कर रहा है। इसके बाद में अपना आएगा नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज यूज्ड आफ्टर हैज हैव, यानी कि नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा नोट का यूज होगा किसके बाद? हैज और हैव के बाद में क्या आएगा? नोट आएगा, उससे वाक्य का जो पैटर्न जो है, सेंटेंस का जो पैटर्न है, रचना है, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, उसके बाद में नोट आएगा, उसके बाद में बी। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हैज हैव प्लस नोट बी, लेकिन आप ऐसे लिख लेना कि हैज नोट बीन या फिर हैव नोट बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर और प्लस टाइम। एज ए एग्जांपल है इसका
ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years, यानी कि 4 साल से. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव और उसके बाद में नेगेटिव का तो नोट आएगा. आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नोवल सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, they have not been playing since morning. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन येस और नो आंसर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज एंड हैव आर यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट. यानी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हैज हैव किससे पहले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले इनका यूज होगा. इसका जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, हैज हैव उसके बाद में सब्जेक्ट है, जब उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में बी, सब्जेक्ट के बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम. इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसकी जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होगा, हैज है उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस और फॉर प्लस ए टाइम. इसका जो एग्जांपल है वो ये है, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours, हेल्पिंग वर्ब आ गया शुरुआत में, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बीन आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फॉर 2 hours, यानी कि सिंस और फॉर का प्रयोग, उसके बाद में टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, हैज सीता बीन कुकिंग, कुक की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, कुकिंग फूड और उसके बाद में सिंस इवनिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, हैज सीता बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग. क्या सीता श्याम से भोजन पका रही है, यानी कि श्याम से भोजन पका रही है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव जो सेंटेंस था वो भी आज कंप्लीट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपनी कॉपी में अच्छी तरह से इसको नोट करना और इसको लर्न और रीडिंग दोनों चीज सुंदर सुंदर करना है. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, हैव वी लिविंग इन जयपुर फॉर सिक्स इयर्स.
हैव वी बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 ईयर, क्या हम 6 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टुडे आर कंप्लीट, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना।